गाइस मैं यहाँ पर सफाई कर रहा हूँ टोनी स्टार्क सर के घर की। पता नहीं वो इतने महीनों से कहाँ पर है। साथ साथ में मैं उनके घर का नौकर हूँ, छोटा सा एक प्यारा सा ब्लैक एंड ग्रीन हल्क बेबी। लेकिन मैं अब आयरन मैन बन चुका हूँ क्योंकि टोनी सर ने मेरे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए मैं आयरन बेबी हूँ। और देखिए गाइस यहाँ पर दो बच्चे और रहते हैं, एक हल्क है और एक आयरन मैन है, और ये भी मेरी तरह अपनी इवोल्यूशन आगे बढ़ाना चाहते हैं। अरे चुप कर, तू तो गरीब है, हम तो अपनी इवोल्यूशन बढ़ा लेंगे। अरे बिल्कुल सही कहा, हम तो दोनों मिलकर अपनी इवोल्यूशन बढ़ा लेंगे। अरे गाइस पता नहीं ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, ये दोनों अपनी इवोल्यूशन कैसे बढ़ाएंगे। खैर कोई नहीं, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लेता हूँ, फिर टोनी सर को ढूंढूंगा और कहूंगा कि वो मेरी इवोल्यूशन बढ़ा दे किसी हाथ में। ओए बल्ले 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 बल्ले, अले बल्ले बल्ले। ओ माय गॉड गाइस ये क्या, इनकी इवोल्यूशन कैसे बढ़ गई। ये सोनों के दोनों तो यार 100 साल से ज्यादा के हो गए, मैं तो 1 साल का ही हूँ। अरे मैंने बोला था ना हम बढ़ा लेंगे। अले बिल्कुल, हम तो दोनों बल्ले बल्ले हो गए और हम तुझे बताएंगे भी नहीं कि हमने खुद की इवोल्यूशन कैसे बढ़ाई। ओ गाइस इनकी आवाज तो छोटे बच्चों जैसी है, लेकिन ये तो पूरे जायंट बन चुके हैं यार। मुझे भी यार जॉइंट बनना है, इनसे भी बेटर प्लीज बता दे। अरे क्यों बताया तुझे, तू तो बिल्कुल नूब बच्चा है, तू तो गुलाम रहेगा टोनी सर का। ऐसी बात नहीं है, मैं ग्रीन एंड ब्लैक है। अरे गाइस इन्होंने मुझे नीचे भी गिरा दिया। गाइस मुझे किसी भी हाल में पता करना होगा कि ये दोनों इतने बड़े कैसे हो गए, अभी तो मेरी आंखों के सामने छोटे थे, आपने देखा था ना। और ये बताते भी नहीं है मुझे क्योंकि मैं गरीब हूँ ना, और टोनी सर के ये दोनों बच्चे हैं तो इसलिए ही उनके साथ खुश रहते हैं। कोई नहीं गाइस, हम किसी भी हालत में अपने आप को दुनिया का सबसे ही ज्यादा अमीर और खतरनाक ताकतवर रिवॉल्यूशन वाला आयरन मैन बना लेंगे। इस वाले पोर्टल के अंदर जितने बच्चे जाते हैं उसमें से 5% बच्चे ही सिर्फ अपनी रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा पाते हैं। क्या ये कैसा पोर्टल है जिसमें 5% बच्चे अपनी रिवॉल्यूशन बढ़ा सकते हैं। ओह माय गॉड गाइस, फिर तो मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं ना चुपके चुपके से इसके अंदर चला जाता हूँ, नहीं तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज सर मुझे जाने देंगे। जो भी इसके अंदर जाएगा रिवॉल्यूशन बढ़ा सकता है, लेकिन बहुत खतरा है, जान का भी खतरा। क्या जान का खतरा, ओह माय गॉड ये कहां पर आ गया मैं। एक मिनट, ये तो टोनी सर है, तो इसका मतलब टोनी सर यहां है। हां तो मेरे बच्चों जजेस को यहां पर अपनी एज इवोल्यूशन। एक मिनट, ए रेड ब्लैक बच्चे, तू तो मेरे घर का नौकर है, यहां क्या कर रहा है। प्लीज सर मुझे ज्वाइन कर लीजिए यहां पर, मुझे भी खुद की इवोल्यूशन बढ़ानी है। देखिए ना आपने सबकी इवोल्यूशन बढ़वा दिया। अरे बच्चे इतना आसान नहीं है, बिना तेरे मम्मी पापा की रजामंदी के मैं तुझे यहां ले नहीं सकता क्योंकि यहां पे जान का भी खतरा है बच्चों की। प्लीज प्लीज ले लीजिए ना। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे लूंगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करवा दे जल्दी से। गाइस प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, वरना मैं यहाँ पर ज्वाइन हो जाऊंगा और सारे बच्चों को अपनी इवोल्यूशन में पीछे छोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया, तो मेरी बात सुनो बच्चे लोग, यहाँ पर जो जो आज एज 1 से 100 या 200 तक जाना चाहता है उन सभी के पास सुनहरा मौका है। तुमको बाइक लेकर बिल्कुल नीचे साइड जाना होगा। अरे बाप रे, हम इतनी ऊंचाई पर है सर। बिल्कुल सही कहा बच्चे, तुम इतनी ऊंचाई पर हो, जैसे ही तुम यहाँ पर पहुंचोगे इधर मिलेगा तुम्हें एक खतरनाक जादुई पोर्टल। इसके अंदर जाते ही अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हारी एज की इवोल्यूशन बढ़ जाएगी, तुम्हें ताकतें आ जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना उन ताकतों का इस्तेमाल मत करना वरना चीटिंग मानी जाएगी। जैसे ही यहाँ कुछ खतरनाक हल्क होंगे ये तुम्हें पीट सकते हैं, जो भी इनसे बचकर आगे बढ़ गया उसको मिलेगा कुछ जायंट खतरनाक टाइप का एक हल्क जिला। अरे सर ये तो बहुत खतरनाक है, इसीलिए यहाँ पर जो भी इनको पार करेगा उसको दूसरा पोर्टल मिलेगा, और उसके बाद तुम्हें तीसरे पोर्टल तक जाने के लिए यहाँ पर कुछ खतरनाक जायंट आयरन मैन के 3 नहीं 4 सूटों से पूरी तरह से बचते हुए तीसरे पोर्टल तक जाना होगा। जो भी यहां तक पहुंच गया उसकी एज कम से कम 60-70 साल बढ़ जाएगी और ताकतें भी। लेकिन जो भी फिनिश लाइन तक पहुंच पाया उसकी उम्र मैं गारंटी देता हूं 100 साल से ज्यादा हो जाएगी और वो दुनिया का सबसे ज्यादा इवोल्यूशन करने वाला आयरन मैन बन जाएगा। सर मुझे जाना है। अरे चल मैं जाऊंगा सबसे पहले, मैं हूं 6 साल का एकदम गोल्डन आयरन किड। अरे गाइस मैं तो आगे बढ़ता हूं। अरे दोस्तों यार वो बड़ा बच्चा है तो इसलिए उसने ना मुझे जाने नहीं दिया। लेकिन गाइस आप कहीं जाना मत, हम साथ में खेलेंगे और इससे भी बेटर इवोल्यूशन करेंगे। अरे 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 नहीं नहीं, मेरी तो बाइक ही गिर गई, अरे मैं आगे कैसे बढ़ूं। अरे यार कितनी बेकार बाइक थी, काम करता हूं अपनी पावर चेक कर लेके देखता हूं। नहीं गाइस वो तो पावर यूज करने की कोशिश कर रहा है। अरे यार चलो बाइक ही उठा लेता हूं, मेरी पावर्स मुझसे एक्टिवेट नहीं हो पा रही। गाइस अभी वो छोटा है इसलिए शायद अपनी आयरन मैन वाली पावर्स यूज नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं बड़ा हो जाऊंगा समझा। तू तो नौकर है बच्चे, तू क्या जाने यहां पर कितनी मेहनत लगती है पावर्स को और एक्टिवेट करने में। अरे वो तो मैं जानता हूं यार, मुझे भी मेहनत लगेगी। अरे चुप कर, तू मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सॉरी भाई सॉरी। ओह माय गॉड गाइस उसने तो पावर्स यूज कर ली। मजा आ गया, मैं थोड़ी बहुत चीटिंग तो कर ही सकता हूं। अरे गाइस देख रहे हो बड़े होने का फायदा, वो मुझसे बड़ा है तो चीटिंग भी कर पा रहा है और ये पहले पोर्टल पे पहुंच गया। अब तो मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी एज को बढ़ा लूंगा। ओ भाई मैं तो 16 साल का बन गया। गाइस ये तो 16 साल का गोल्डन आयरन मैन बन चुका है, और देखिए ये तो ग्रीन रिवेंजर से बच गया, इसको कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। ओए मैं बहुत ही टैलेंटेड हूं, ओए सारी बहुत
बॉल्स मेरे सामने से हटो, मुझे बहुत जल्दी से आगे जाना होगा। अरे बाप रे, एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ खुराफाती करता हूँ। अरे नहीं गाइस, ये क्या कर रहा है? अरे अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे ट्रैप लगाने वाला था। अरे मैं ही गिर गया, मम्मी पापा जी बचाइए। गाइस देखा, जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। अरे चाई ज्यादा मत बोल, तू मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं हूँ ब्लैक आयरन बेबी। गाइस ये तो ब्लैक आयरन बेबी है, और ये मुझसे गुस्सा क्यों है? क्योंकि तू यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ तेरे को, देख ऐसे करके बाइक चलाते हैं। ओह माय गॉड गाइस, मैंने कभी जिंदगी में ऐसे सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा बच्चा ऐसे बाइक चला सकता है, लेकिन ये तो गिर गया। अरे मैं नहीं गिरूंगा, मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, मेरी गाली में ना पापा जी ने बहुत खतरनाक वाला बूस्टर लगा रखा है। गाइस ये तो एक छोटा सा बहुत ही प्यारा तोतला बच्चा। अरे मेरे को तोतला मत बोल समझा, हाँ मेरी जो ये प्यारी सी बाइक है, मैं अच्छे बहुत ही बढ़िया इवोल्यूशन बनाऊंगा। अरे वाह, मेरी तो पूरी की पूरी 21 साल की इवोल्यूशन हो गई, और अब तो मैं तुतला भी नहीं रहा। गाइस ये तो 21 साल का बन गया, और अब ये तुतला भी नहीं रहा, सही बोल रहा है। और देखिए कितनी सही तरह से अपनी बाइक को आगे लेके जा रहा है। अरे वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा, और साथ साथ में तू तो पता नहीं कैसा बच्चा है, मैं तुझे नहीं जीतने दूंगा, मैं ही जीतूंगा। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई, तू अपना गेम खेलना, मेरे पास एक बार नंबर आ गया ना, मैं तुम सबको इवोल्यूशन में छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत ही हार्ड होता है इवोल्यूशन को पूरा करना। बढ़ाया है मुझे छेकने वाला, देख मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, अभी रुक तेरे लिए परेशानियां करता हूँ। गाइस ये क्या कर रहा है? ये ले, तोड़ दिया मैंने पूरा का पूरा रैम। ओह नहीं दोस्तों, ये तो बहुत गलत किया इसने, ऐसा मत कर यार, ऐसे तुम आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अच्छी बात है, मत बढ़ आगे, मैं तो अपनी बाइक लेके आगे निकल जाता हूँ, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ओए रे बाप रे, ये तो जायंट हल्क जिला है। गाइस जायंट हल्क जिला ने इसको पकड़ लिया, ओ माय गॉड, उसकी पूरी की पूरी बाइक को खा गया जायंट हल्क जिला। अरे पापा जी बचाइए, गाइस उसको बेचारे को बहुत तरह से स्मैश कर दिया। ओह माय गॉड, अब ये कौन बच्चा है? अरे मैं हूँ रेड बच्चा, मैं हूँ रेड आर्मिन, और मेरी एज है 3 इयर्स ओल्ड। गाइस ये 3 साल का बच्चा भी बड़ी प्यारी बाइक चला रहा है, दोस्तों लगता है इन सब में सबसे छोटा मैं ही हूँ, मेरी इवोल्यूशन अभी कुछ भी नहीं बढ़ी है। अरे बिल्कुल सही कहा, और तेरी इवोल्यूशन बढ़ भी नहीं पाएगी, देख ऐसे करके बाइक नहीं चला पाएगा तो। गाइस ये कितनी बुरी तरह से बाइक चला रहा है भाई, ऐसे गिर जाएगा। अरे मैं डरता थोड़ी हूँ, अरे नहीं पापा जी मेरी बाइक में तो आग लग गई। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे को जल्दी से उतरना होगा, अरे सामने तो पोर्टल है, जल्दी जाके सामने पोर्टल ले लेता हूँ। गाइस इसकी बाइक में आग लगी हुई थी, लेकिन इसने अपनी बाइक को रिपेयर कर लिया, क्योंकि मेरी गाड़ी में इतना प्यारा ऑटोमेटिक फंक्शन जो है। अरे वाह, मैं तो पूरे 15 साल एज बढ़ा के बैठ गया अपनी, इसका मतलब अब मैं पूरे 19 साल का हो गया। गाइस ये 19 साल का आयरन बन गया, लेकिन यहाँ पर ग्रीन रेवेंजर ने इसको पकड़ लिया। हम तुझे बर्बाद कर देंगे, यहाँ पर किसी की भी इवोल्यूशन नहीं बनने देंगे, हटो यहाँ से, बार बार इधर क्यों आ रहे हो? ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पर ग्रीन रेवेंजर तो गुस्सा हो गया। लेकिन मेरे से कोई बच नहीं सकता, मैं यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उड़ भी सकता हूँ। अरे गाइस ये सब उड़ कैसे पा रहे हैं, मेरा तो सपना ही इस तरह से उड़ना और मेरी रोशनी को बढ़ाना। अब मैं काम करता हूँ, अपनी बाइक लेके जाता हूँ, वैसे भी टोनी सर ने कहा है रैंप पर गाड़ी यूज करना ही सही रहेगा पावर्स नहीं, इसलिए मैं तो यहाँ पे गाड़ी ही यूज करके जाऊंगा। गाइस ये अपनी बाइक को यूज करके बहुत ही सही तरह से जा रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ पर रेड रिवेंजर है बहुत सारे, और ये बच गया उनसे। मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ। अरे वाह, यहाँ पर तो एक और पोर्टल, चलो जल्दी जल्दी जाते हैं और इसके अंदर घुसते हैं, देखते हैं इस बार मेरी इवोल्यूशन कैसी बढ़ेगी। गाइस मैं भी तो देखूं यार इस बार इसकी इवोल्यूशन कैसी बढ़ेगी। अरे वाह, मैं तो पूरे के पूरे 39 ईयर्स का हो गया, और मेरी वॉल्यूशन बहुत कमाल की हो गई। गाइस इसकी वॉल्यूशन 39 ईयर तक पहुंच गए। गाइस कहीं यही सारी वॉल्यूशन ना ले ले, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे एक मिनट, मेरे माइंड में एक आइडिया है। ए बच्चे, इस बार तेरा ही नंबर है ना, ये ले मैंने बॉम्ब लगा दी, अब तू आगे नहीं आ पाएगा। अरे नहीं गाइस, मेरा ही नंबर है इस बार, तो इसने बॉम्ब लगा दिए, लेकिन ये आगे क्या है? अरे वे तो किसी हल्के के बॉक्स लगते हैं मुझे। अरे बाप रे, मैं कहीं गिर ना जाऊं इनमें से, मुझे जल्दी जल्दी चलना होगा। गाइस ये कितने कमाल का रास्ता है, और सामने देखिए रेड रिवेंजर खड़े हैं। हमें ठोक के जाता है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं तुमसे नहीं डरता, नमूना निकला ऐसे। गाइस यहां तो जायंट आयरन मैन भी है, एक नहीं दो नहीं तीन। ओह माय गॉड, इसकी बाइक फॉर दी जायंट आयरन मैन है। अरे नहीं पापा जी बचाइए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने क्या बिगाड़ा भाई इसका? गाइस अब मेरी बारी है, मैं हूं एक ग्रीन एंड ब्लैक बच्चा, इतने टाइम से दोस्तों मैंने इंतजार किया था अपनी इवोल्यूशन को आगे बढ़ाने का, और दोस्तों आज समय आ चुका है खुद की इवोल्यूशन को बढ़ाने का, और साथ साथ में अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराने का। यस, अगर आप सभी भी अपने मम्मी पापा को खुद पर प्राउड फील करवाना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। गाइस हम साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, रिवॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे जिंदगी में। ओह माय गॉड, मैं तो ज्यादा आगे आ गया। गाइस देखिए पीछे पोर्टल है, चलो एक काम करते हैं जल्दी से इस पोर्टल के अंदर जाते हैं। अरे यार कुछ तो मिल जाए। अरे वाह,
गाइस मैं तो यहाँ पर पूरे 20 साल का हो चुका हूँ और गाइस अब तो मेरी आवाज भी बेटर होती जा रही है। इसका मतलब गाइस अब चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और जाकर दोस्तों इन सबसे आगे बढ़ते हैं। अरे माँ पर एक पकड़ लिया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, ये तो हमारे कलर की बाइक है, हमें दे दे। नहीं ये मेरी बाइक है, ग्रीन एंड ब्लैक। ओह माय गॉड गाइस ये कितना बुरा है। ए, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, समझा दू, निकल जा कीड़े। अरे बाप रे गाइस कितनी बुरी तरह से मारा इसने। दोस्तों प्लीज हेल्प मी, कमेंट में आयरन मैन ओपी लिखो, मुझे इसको पीटना होगा, तू मुझे नहीं पीट पाएगा। गाइस प्लीज आयरन मैन ओपी लिखो एक बार, ये ले दी तो। अरे वाह 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 वाह, मैंने इसको नीचे गिरा दिया, छोड़ूंगा नहीं। ओह माय गॉड गाइस, इससे पहले कि उसकी आर्मी आ जाए हमें जल्दी से बाइक लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो 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 चलो। यस गाइस हमने यहाँ पे अपनी बाइक हवा में उड़ा ली है और हम आगे जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। सामने देखिए गाइस आगे एक रैंप है, मुझे उस पर कूदना होगा। अरे मैं कहीं गिर ना जाऊं। गाइस मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी इवोल्यूशन को आगे बढ़ाऊंगा। आप भी कभी जिंदगी में चीटिंग करके आगे मत बढ़ना, बहुत ईमानदारी से मेहनत करना और अपने माता पिता को प्राउड फील कराना। ओ नो नो नो, बच गया गाइस। यस हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देखिए दोस्तों ये वाला जो पोर्टल है, मैं जल्दी से इसके अंदर जाता हूँ। यस गाइस मेरी एज तो यहाँ पर 40 ईयर्स हो चुके हैं और दोस्तों मेरी बॉडी पर टैटूज देखिए, मैं तो यहाँ पर ग्रीन एंड ब्लैक टैटूज वाला आयरन मैन बन गया हूँ। गाइस ये टैटूज जरूर मुझे शक्ति देंगे इन सभी कांटों से एंड बॉम्ब से बचने की। प्लीज बटना मत, प्लीज प्लीज ना ना। अरे बाप रे गाइस मैंने गलती से अपना बाइक का टायर चला दिया उस बॉम्ब पे। ओ माय गॉड मुझे मेरी बाइक चाहिए, हटो यहाँ से। ओ भाई मेरी बाइक वो रही। गाइस चलो जल्दी जल्दी के चलते, चलो कम कम मैं कर सकता हूँ। गाइस अब ज्यादा टाइम और नहीं है, अब हमें जल्दी से इनरेटरी में जो गिराना होगा। और आया तुझे मारागा जायंट वाला है मैं। नहीं नहीं प्लीज मुझे मत मारना, मुझे जाने दो, हटो सब सामने से। गाइस सामने तो एक और पोर्टल है। अरे वाह मैं तो तीसरे वाले पोर्टल पे पहुंचने वाला हूँ, ये तो बहुत ही फंटास्टिक हो जाएगा। दोस्तों एक काम करते हैं, जल्दी से उतरे बाइक से और जल्दी इसके अंदर जाते हैं, मेरी पूरी हालत खराब हो गई है। अरे वाह मैं तो 80 साल का वन एंड ओनली ब्लैक एंड ग्रीन टैटूज वाला अल्ट्रॉन बन चुका हूँ। गाइस मेरी बॉडी पे गोल्डन टैटूज है, जरूर ये मुझे शक्तियां देते हैं, हम एंड मैन की पावर्स भी यूज करेंगे, आप प्लीज साथ रहना मेरे। अरे देखिए गाइस देखते ही देखते मैं तो बिल्कुल इसके एंड पे आ चुका हूँ। अरे बाप रे गाइस ये रैंप कितना बड़ा था और हम फिनिश लाइन पर पहुंच गए। यस गाइस वी डिड इट। यस अरे काफी मजा आ गया, वैसे मेरी एनर्जी काफी डाउन हो गई है। गाइस अब समय आ गया है इस वाले पोर्टल में जाने का, चलो जल्दी उतरता हूँ और जल्दी जल्दी एक काम करते हैं इस पोर्टल में जाते हैं और देखते हैं दोस्तों हम किस में अपग्रेड होंगे। कम ऑन कम ऑन। अरे वाह दोस्तों हम तो यहाँ पर बन चुके हैं पूरे 120 साल के जायंट ब्लैक एंड ग्रीन आयरन मैन। और गाइस मेरी बॉडी पर टैटू देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो मैं अपनी इवोल्यूशन को और आगे बढ़ाऊं तो प्लीज कमेंट में पार्ट 2 लिखो, बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे